हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज का व्लॉग होने वाला है मेरे खजाने के ऊपर। मींस मैं आपको मेरा खजाना बताने वाला हूँ, जो कि इतना एक्सपेंसिव खजाना नहीं है। आपने पहली बार सुना होगा सस्ता खजाना। और ये रहा वो खजाना। पहले ये बता देता हूँ, ये मेरी स्क्रिप्टिंग की बुक है जिसमें मैं वीडियो स्क्रिप्ट वगैरह बनाता हूँ। और ये है दोस्तों अपना खजाना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे दोस्तों ऐसी एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो, ये लास्ट टाइम मैं लाया था, शॉपिंग करने गया था FS में तभी। और ये ब्रेसलेट्स वगैरह जो है, छोटी छोटी चीज़ें, ये चेन्स वगैरह हो गया। ये दो तीन दिन पहले ये वाला लिया है मैंने, पेंडेंट। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, एविलाई बोलते हैं इसको। इससे नज़र नहीं लगती, ऐसा कुछ रहता है, बट मुझे तो अच्छा लगा था इसलिए लिया था मैंने ये। एंड ये ब्रेसलेट्स हो गए तीन, ये हो गए। ये नेक का है दोस्तों, अभी तक कभी पहना नहीं है, अजीब लग रहा था मुझे, तो मैंने ट्राई नहीं किया कभी। एक ये भी हो गया, और इसमें भी दोस्तों भरा हुआ है पूरा सामान, मैं आपको बताता हूँ। तो सब मेरे फेवरेट है गाइस, बट ये जो दोनों है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। एंड इसके अलावा ये देखो, इसमें से और दो ब्रेसलेट निकले बैग में से, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो किसी को मुझे गिफ्ट देना है तो ऐसी सब एक्सेसरीज दे सकता है। मुझे ज़्यादा बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए, ऐसी छोटी चीज़ों में मुझे बड़े गिफ्ट से भी ज़्यादा खुशी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें है गाइस। एंड ये सब चीज़ें मैं इसलिए निकाल के रख रहा हूँ क्योंकि मैं रोज़ घर पे आके यहाँ पे ब्रेसलेट उतार के रख देता हूँ, चेन उतार के रख देता हूँ। तो अभी मुझे जाना है गाँव दोस्तों, 28 तारीख को जाने वाला हूँ मैं। तो सब चीज़ें एक साथ मैं एक छोटे से बैग में, इसी बैग में भर के रख देता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो, और हर एक चीज़ एक जगह पे रहेगी तो दोस्तों अच्छा होगा। तो इसके लिए मैं अरेंज कर रहा था ये सब। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इस चीज़ को मैं बताऊँ सबको, जो मेरी तरह और भी लोग होंगे जिसको ये सब चीज़ें बहुत पसंद होगी। तो ये सब साथ में लेके जाएंगे दोस्तों, रील्स वगैरह बनाएंगे गाँव में, फोटोशूट वगैरह करेंगे तो काम में आएगी। दोस्तों ये रिंग्स मेरे पास बहुत कम है, तो रिंग्स और लूँगा। और ये मेरी सबसे फेवरेट वाली थी वर्साची की, बट इसके ऊपर का लोगो टूट गया है गाइस, वो मिल भी नहीं रहा है कहीं पर। तो देखते हैं, वरना मैं ऐसा एक और रिंग लूँगा दोस्तों, शॉपिंग करने जाऊँगा तभी। एंड गाइस, शॉपिंग से मुझे याद आया कि मैं बहुत जल्द शॉपिंग के लिए भी जाने वाला हूँ, तो उसका व्लॉग तो आएगा ही दोस्तों। मैं आपको मेरा तरीका बताता हूँ गाइस शॉपिंग करने का, कि मैं शॉपिंग करने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन से कलर्स के कपड़े हैं, कैसे टी शर्ट्स है, कैसे स्वेट शर्ट्स है, कितने चीज़ें हैं, क्या है, वो पहले मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ। तो अगली बार जब लेने जाए दोस्तों, तो आइडिया रहे कि इससे अलग लेना है, कुछ यूनिक लेना है। एंड दूसरी चीज़ ये करनी है दोस्तों हमें, कि ऑनलाइन इंटरनेट पर देखना है सारे लड़के लोग जो अभी ट्रेंड में मतलब चल रहे हैं, मॉडल्स वगैरह, उनके कपड़े देखने हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस देखने की, वो लोग क्या पहन रहे आजकल, क्या ट्रेंड में चल रहा है। पर्सनली मैं बोलूँ तो दोस्तों, मुझे फ्लैनल शर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जो वो क्या रहता है, शर्ट रहता है बट वो हैवी क्वालिटी में रहता है थोड़ा, और उसका कपड़ा थोड़ा मोटा होता है नॉर्मली शर्ट के कपड़े से। तो वो फ्लैनल शर्ट्स होते हैं दोस्तों, ओवर साइज में आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। एंड अभी लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, हम लोग एलिफेंटा गए थे गाइस, वहाँ पे फैशन स्ट्रीट में ऐसे ऐसे कपड़े थे ना, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, एक से एक, और अच्छे रेट्स पे, ऐसा भी नहीं कि एक्सपेंसिव है। और बहुत लोगों को नहीं पता है गाइस, मुंबई मतलब कपड़ों का खजाना है। यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा चर्च गेट साइड, और वहाँ पे ढूंढ के निकालने पड़ेंगे कपड़े। एंड गाइज, एक किस्सा बताता हूँ मैं, मुंबई में लॉट का माल आता है जहाँ से, मतलब इम्पोर्टेड क्लोथ्स आते हैं, कोई कोई बीच में थ्रिफ्ट भी रहते हैं, बट वो पता नहीं चलेगा थ्रिफ्ट। अब आप लोगों में से किसी को नहीं पता होगा थ्रिफ्ट, तो गाइज बता दूँ, फॉरेन्स में जो कपड़े यूज़ हो जाते हैं वो रिसाइकल में जाते हैं, अच्छे से वॉश होते हैं वो, और फिर प्रेस वेस होके एकदम प्रॉपर वो निकल के आते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो थ्रिफ्ट का माल है, बट हमें चेक करके लेना है। और अगर आप बजट प्राइस में देखोगे गाइस, और इम्पोर्टेड चीज़ें चाहिए, महंगे जैकेट्स, तो आपको थ्रिफ्ट भी रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस वहाँ पे एक बार अच्छे से चेक करके लेना है कि क्वालिटी एकदम न्यू जैसा ही मिलता है वैसे तो, बट एक बार फिर भी देख लेना चाहिए गाइस। तो एक दो जैकेट्स मैं वैसी जगह पर भी जाके देखूँगा, अगर पसंद आए तो लूँगा। और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है गाइस, अगर आप शोरूम में जाओगे तो आपको 3-4 हज़ार की नॉर्मल जैकेट मिल जाएगी, बट अगर आप इम्पोर्टेड कोई जैकेट लोगे तो 11 से 12 हज़ार रुपये की जैकेट पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ मेरे साथ सीन क्या हुआ। मैंने एक बार लिया दोस्तों एक जैकेट जो मुझे पसंद आ गया, लॉट वाले चीज़ की बात कर रहा हूँ जो आता है इम्पोर्ट होके, तो मैंने वो जैकेट लिया अराउंड 500 रुपीज़ में गाइस। एंड वो एक फॉरेन का ब्रांड था, और उसकी वेबसाइट पर जाके मैंने वो जैकेट की प्राइस देखी तो दोस्तों थी वो 11,700 रुपये का जैकेट है वो, मतलब इंडियन करेंसी में मैंने उसको कन्वर्ट करके देखा। तो ऐसी चीज़ आ सकती है अपने पास अगर ऐसी जगह पे घूम के लेंगे तो। एंड गाइस, घर वाले बोल रहे हैं दो जोड़ी कपड़ा ले, महंगा ले बट अच्छा ले, बट मैं वैसे टाइप का इंसान नहीं हूँ दोस्तों,
दो ड्रेस की जगह पे मैं 4 जीन्स लेके आऊंगा और 2 शर्ट और 2 टी शर्ट लेके आने वाला बंदा हूँ मैं गाइस, क्योंकि मुझे क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे बिलीव है। तो गाइस हर एक चीज पे डिपेंड करता है अपना ड्रेसिंग सेंस कैसा है दोस्तों, तो अभी वो अपने पर्सनली आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर 200 की चीज पहनोगे तो आपको कोई 2000 की भी बोलेगा, वरना आप 4000 की जींस पहनोगे तो बोलेगा अरे 400 रुपए का भी नहीं लग रहा है। तो ये बात होती है दोस्तों कि आपको वैसा एक कॉम्बिनेशन बना के ड्रेसअप करना पड़ेगा और वैसी चीज लेनी पड़ेगी कि दिखे भी और अच्छा भी लगे, तो ये सीन होता है दोस्तों। एंड गाइज अब मैं बताता हूँ मैं क्या क्या नई चीजें ऐड करने वाला हूँ और क्या क्या शॉपिंग करने वाला हूँ अपने गाँव जाने से पहले, क्योंकि ये सब चीजें मुझे बहुत टाइम से लेनी थी, मैं वेट कर रहा था क्योंकि अभी गाँव भी जाना है दोस्तों, एक दो शादी भी है वहाँ पे और होली भी हम लोग गाँव में ही करके आने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। गाइस मुझे लेने हैं एक ब्लैक कलर में थोड़े शाइनी वाले आते हैं चेल्सिया बूट्स, वो एक जोड़ी लेना है। उसके अलावा एक दो फ्लिप फ्लॉप ले लूंगा अगर पसंद आएगा तो। फिर लेना है दोस्तों, शादियों का सीजन है तो मुझे एक दो इत्र लेने हैं अलग अलग टाइप के, जो कि मीरा रोड में एक शॉप है, मतलब मेरे आके नियर बाय में है, बहुत अच्छे उसके पास परफ्यूम्स इत्र मिल जाते हैं, तो वो भी ले लेंगे। एंड उसके अलावा गाइस मुझे लेना है फ्लैनल शर्ट्स, एंड उसके अलावा लेना है कार्गोज, लेना है एक दो तीन कार्गोज ले लूंगा, और शॉर्ट्स लेना है दो, और दो सैंडोज लेने हैं बस, तो स्वेट शर्ट देख लूंगा बस दोस्तों, यही शॉपिंग होने वाला है। और साथ में थोड़े पार्टी वियर शर्ट्स भी लेने हैं 2-3, तो अच्छा रहेगा क्योंकि शादी वादी का भी माहौल है ना दोस्तों, तो उसके हिसाब से अच्छा लगेगा पार्टी वेयर शर्ट्स। एंड गाइस एक चीज और बता दूं, मैं बहुत टाइम बाद शॉपिंग पे जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक प्रॉपर शॉपिंग बहुत टाइम से हुई नहीं है, मतलब बीच में कहीं गया, एक दो शर्ट ले लिया, एक दो टी शर्ट ले लिया। टी शर्ट तो वैसे लेने की नौबत आती नहीं है गाइस, क्योंकि जिन भाइयों को मेरे पता है व्लॉग देख रहे हैं तो सबको नहीं पता होगा, तो बता दूं मेरा टी शर्ट का ही काम है दोस्तों, तो मुझे टी शर्ट तो लेने की बाहर से जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे पास ही होता है तो मैं ले लेता हूँ जैसा मुझे चाहिए होता है। एंड लड़की लोग की तरह तो नहीं है गाइस, लड़के लोग का अलग सीन होता है, लड़कियां तो हर महीने मुंह उठा के चली जाती है शॉपिंग के लिए, लड़के लोग का वैसा नहीं रहता है, वो एक बार में कर लेते हैं पूरे साल भर की शॉपिंग, फिर आराम से पहनने का और घूमने का। तो गाइस बस यही चीजें थी ऑनगोइंग जो मैं प्लान कर रहा था अपने गाँव के ट्रिप के लिए, तो फिलहाल चलते हैं नीचे और मिलते हैं अपने दोस्तों से, क्या सीन होता है देखते हैं, क्योंकि पूरे दिन से घर पे ही था गाइस, अभी एक घंटा थोड़ा घूम के आ जाता हूँ, फ्रेश हो जाऊंगा। अभी हम लोग आ चुके हैं दोस्तों बिल्डिंग के नीचे, चलिए चलते हैं फटाफट। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, ये स्कूटी वाले गिर गए दोनों, रास्ते के बीच में घस गए पूरे। तो गाइस जैसा कि आपने देखा दो लोग गिर गए स्कूटी से, और आगे वाला थोड़ा यंग था और पीछे वाला थोड़ा ओल्ड लग रहा था गाइस, एंड आधे घंटे तक वो लोग रुके क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा लग गया था पीछे वाले वो अंकल के, तो लोग आधा घंटा रुके मसाज वसाज किए तब गए, और वो ये सब क्यों हुआ मैं बताता हूँ अभी। गाइज आप लोग रोड की हालत देख सकते हो, यहाँ पे 3-4 बड़े बड़े खड्डे हैं जिसकी वजह से वो दोनों गिर चुके हैं यहाँ पे। एंड दोस्तों खास बात यह है कि ये रोड जो है वो 3-4 महीने पहले जब मुंबई के CM आए थे, ये रोड रातों रात बनाया गया था नया, उससे पहले भी ऐसा टूटा हुआ था, एक दिन के लिए बनाया दोस्तों, एंड बारिश के बाद अभी धुल गया। एंड ये हालत देख सकते हो रोड की, जिसकी वजह से अभी ये गिरा, इसके अलावा टेम्पो वगैरह भी जाते तो वो भी एकदम मतलब झटका देते वहाँ पे, वैसा खड्डा है वो। तो एंड मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था वहाँ पे, एंड अचानक गाड़ी के घिसने की आवाज़ आई, एंड स्कूटी पे पीछे अंकल और आगे उनका लड़का था या कौन था, यंग था थोड़ा, तो वो गिर चुके थे दोनों गाइस। एंड अभी मैं और निशांत अभी गार्डन में घूम रहे हैं यहाँ पे, एंड निशांत भी जरा पीछे, तो फटाफट मिलते हैं घर पे जाके क्योंकि अभी टाइम हो रहा है डिनर का दोस्तों, तो फटाफट खाते हैं। तो गाइज अभी मैं घर पे आया एंड मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसा एक्सीडेंट हुआ, बाइक वाले गिर गया है, ऐसा वैसा। तो फिर बाद में मम्मी बोलती है कि आगे जो फोटो आता है यूट्यूब वीडियो में, मतलब उसके बोलने का मतलब था थंबनेल, तो उसपे वो बोलती है ऊ ये क्या हो गया, ऐसा डालना थंबनेल में। गाइज मुझे बता रही थी कि ऐसा थंबनेल रखना सरप्राइजिंग वाला, शॉकिंग वाला, मैंने यूट्यूब पे ऐसा बहुत लोगों को देखा है। तो दोस्तों आज खाने में है कढ़ी और चावल, क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में दोस्तों बताया था अगर आपको ध्यान में होगा तो मुझे मुंह में छाले आए थे, इसकी वजह से मैं थोड़ा मतलब ज्यादा तीखा खाना नहीं खा पा रहा हूँ, तो इसके लिए कढ़ी चावल मुझे अच्छे से मतलब निगलने हो रहा है क्योंकि गले में पेन भी था थोड़ा, बट अभी दोस्तों मेडिसिन लेने के बाद आराम है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यही खत्म होता है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।